बेटा ऑलरेडी रिपीट करता हूं दोबारा, मैं बिजनेस लो यूनिट वन ओवर हो चुका है, ओबी यूनिट वन एंड टू ओवर हो चुका है, ऑडिट यूनिट वन एंड टू ओवर हो चुका है। अब हम नए सब्जेक्ट पे जाएंगे, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इजी सब्जेक्ट है, यूनिट वन दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूरा के पूरा थियरी है, और चैप्टर नंबर टू रेशियो एनालिसिस पूरा के पूरा प्रैक्टिकल है। अब मैं ये अवर करने के बाद कभी भी आपको बोलूंगा आप फॉर्मूलाज लर्न कर लो, मैं कभी भी आपको बुला के बता दूंगा। देखो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर वन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना जरूरी है वरना मैं डायरेक्टली आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देता। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? एज वी ऑल नो डेट, सबको पता है फाइनेंस इज ब्लड ऑफ द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन सर्वाइव। फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे आपको रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे आपको फिक्स असेट खरीदना हो, चाहे आपको डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना हो, रूटीन वर्क करना हो, आपकी लायबिलिटी का पेमेंट करना हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन करना हो, चाहे एक्सपांशन करना हो, चाहे कोई बिजनेस को एक्वायर करना हो, हर जगह फाइनेंस इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस इवन कैन सर्वाइव। विदाउट फाइनेंस कोई बिजनेस चल नहीं सकता। देखो देखते सिंपल आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनेंस इज कंसीडर्ड टू बी ब्लड ऑफ द बिजनेस। अ बिजनेस नीड फंड एट एवरी स्टेज, चाहे इंसेप्शन शुरुआत करनी हो, स्टॉक खरीदना हो, फिक्स असेट खरीदना हो, वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी, लायबिलिटी पे करना हो, बिजनेस को एक्सपांड करना हो, बिजनेस को डेवलप करना हो, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना हो, हर जगह फाइनेंस की जरूरत होती है। इट इज हार्डली पॉसिबल टू थिंक एनी एक्टिविटी विदाउट फाइनेंस। सोच ही नहीं सकते ना, कोई भी काम फाइनेंस बिना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस कंस्टिट्यूट वेरी बेस्ड अपॉन सुपर स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश, है ना। फाइनेंस ही वो जिसके जरिए आप बिजनेस को चला रहे हो, बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हो, बिजनेस को रन कर रहे हो। द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड फॉर देयर ग्रोथ, और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज कुल ग्रो एंड बिल्ड अ साउंड फाइनेंशियल बेस ओनली इफ इट गेट एडिक्वेट फाइनेंस एट रिजनेबल कॉस्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा आना चाहिए, आपको ये भी देखना है कि फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए आपको खर्चा कितना होता है। जैसे मैं शॉर्ट में बताऊं, अगर आप इक्विटी के तौर पर फाइनेंस एक्वायर करते हो, प्रॉब्लम आता है, ओनर्स बढ़ जाएंगे। प्रेफरेंस और के जरिए आप जाते हो तो आपको देखना है डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर के तौर पे पैसा लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लेते हो तो आपको रेगुलर वे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कौन से समय पे कौन सा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है। क्लियर? तो देखो नीचे वही लिखा है, अ मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, अ मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू गेट फंड एट लोवेस्ट कॉस्ट, कम से कम खर्चे में फाइनेंस को एक्वायर करना। हाउएवर द प्रोसेस डज नॉट एंड विद एक्विजिशन ऑफ फंड बट स्टार्ट विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग मोस्ट जुडिशियस यूज ऑफ फंड दैट हैव बीन एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि खाली फाइनेंस ले लिया, फाइनेंस तो आ गया मगर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर है। द मैनेजमेंट शुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ यूजिंग द मनी प्रॉफिटेबली। द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड अपॉन हाउ एफिशियंटली द फंड आर मैनेज। अगर आपने फंड का पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है ना, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड कैन लीड नॉट ओनली टू द लॉस ऑफ प्रॉफिट बट आल्सो डाउनफॉल ऑफ द कंसर्न। अगर आपने फाइनेंस का पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, भाई प्रॉफिट नहीं होगा तो हो सकता है बिजनेस बंद करने की भी नौबत आ जाए।
विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, नो बिजनेस कैन सर्वाइव एंड विदाउट साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नो बिजनेस कैन प्रॉस्परस एंड ग्रो। सीधा बताया कि फाइनेंस के बिना बिजनेस चल नहीं सकता, अगर आपने फाइनेंस का सही मैनेजमेंट नहीं किया तो आप कभी भी ग्रोथ डेवलपमेंट मोर प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, आप मार्केट में से फेंक दिए जाओगे। सो एन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ द कंसर्न। द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रीरिक्विजिट यानी पहले से जरूरत है फॉर सर्वाइवल, आपको सर्वाइव करना हो ग्रोथ करना हो के मैक्सिमम रिटर्न करना हो। पढ़ा था ना FYBCOM में SPB में पढ़ा था कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में तीन था, सर्वाइव ग्रोथ एंड प्रेस्टीज। सर्वाइव करो, सर्वाइव होगा तो आप ग्रोथ कर पाओगे ना, ग्रोथ होगा तो ही आपका बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा प्रेस्टीज होगी नाम होगा शोहरत होगी इनकम जमेगी। तो वही बताया तो सब चीजों के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी होना जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग एरिया। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, सीधी बात है, मैंने बोला मेन पॉइंट समझोगे तुम, बहुत PYBCOM में हो आपको पता है क्या लिखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सीधी बात है, कितना पैसों की जरूरत है, हाउ मच फाइनेंस और मनी रिक्वायर्ड टू रन द एंटरप्राइज द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड लीड टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस विच हेल्प टू द प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज। प्लानिंग होगा तो ही आप बिजनेस को प्रमोट कर सकोगे, डेवलप कर सकोगे, मॉडर्नाइज कर सकोगे, एक्सपांड कर सकोगे। चलो तुमने प्लानिंग तो कर लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई मेरे को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आपने प्लानिंग तो कर लिया कि 10 करोड़ की जरूरत है। अब एक्विजिशन, वो 10 करोड़ लाने का से ये भी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ फंड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंस टू द बिजनेस। क्या बोला है, रिक्वायर्ड फाइनेंस टू द बिजनेस। Acquiring needed fund play important role on management which involve possible source of finance at minimum cost. पहले प्लानिंग कर लिया, जैसे मैंने बोला आपको 10 करोड़ की जरूरत है बिजनेस में, तो प्लानिंग करने के बाद कहां से एक्वायर करूं? एक्वायर तो कोई भी दे देगा भाई, बैंक भी, आपका बिजनेस अच्छा होगा तो बैंक भी लोन देने तैयार है, इंस्टीट्यूशन भी आपको लोन देने तैयार है, एजेंसियां भी आपको लोन देने तैयार है, डिबेंचर के तौर पर पैसा मिल जाएगा, इक्विटी के तौर पर भी मिल जाएगा। मगर सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, कौन सा फाइनेंस लूंगा जिसमें मेरा कॉस्ट मिनिमम होगा। सही है, एक्वायरिंग फाइनेंस पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, प्रॉपर यूज ऑफ फंड। पैसा तो आ गया, अब उसका आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। सो प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ फंड लीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। व्हेन फाइनेंस मैनेजर यूज द फंड प्रॉपरली दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। सीधा है कि अगर आपने पैसों का सही इस्तेमाल करा तो आपका फंड का सही यूटिलाइज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा और आपका खर्चा जितना होगा उतना कम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम रिटर्न ऑन योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। पॉइंट नंबर फोर, फाइनेंशियल डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक मैं चारों चार में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प टू टेक साउंड डिसीजन इन द बिजनेस। फाइनेंशियल डिसीजन विल अफेक्ट एंटायर, फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट एंटायर, एंटायर यानी पूरा के पूरा बिजनेस ऑपरेशन। बिकॉज क्यों, आपके बिजनेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, सेलिंग डिपार्टमेंट भी है, कलेक्शन डिपार्टमेंट भी है, पर्सोनल डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है, समझ में आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है। तो डिसीजन लेना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना फंड एलोकेट करना है, क्योंकि अगर आपने एक डिपार्टमेंट में भी वो अप एंड डाउन करा इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर बिजनेस। सही है, तो देखो लिखा हुआ है, बिकॉज देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देर इज डायरेक्ट
relationship with various departments such as marketing, production, personal, etc. Personal नहीं है, personal है. FIBCOM में पढ़ा होगा. Personal means employee who are working in your business. Point number 5, improve profitability. सीधी बात है कि अगर आपने business का fund को, finance को सही तरीके से इस्तेमाल करा है तो आपके business में profit increase होगा, maximize होगा. देखो profitability depend upon the utilization of fund for business. Financial management help to improve the profitability of the business with strong devices such as budgetary control. Budgetary control क्या SYBCOM में पढ़ा था. What is your standard cost? अगर आप बजट तैयार करोगे, अगर मैं इतने यूनिट बनाता हूँ तो कितना खर्चा है, इतने यूनिट बनाता हूँ तो कितना खर्चा है. रेशियो एनालिसिस जो यूनिट टू में पढ़ेंगे. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस, ये भी आप थर्ड सेम में पढ़ चुके हो. तो ये सब मैनेजमेंट के डिसीजन है कि पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है ताकि आपके बिजनेस का प्रॉफिट लेवल इंक्रीज हो सके. प्रॉफिट कब बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगा, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर. पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म. सीधी बात है, बिजनेस का एक मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और बिजनेस की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. अगर आपने फाइनेंस का सही इस्तेमाल किया, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली आपके इकोनॉमिक अर्निंग पर शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, गुडविल ऑफ द कंपनी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, जिससे आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी. देखो लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर एंड बिजनेस. अल्टीमेट एनी बिजनेस विल अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हायर प्रॉफिट लीड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर एज वेल एज नेशन. सीधी की सीधी बात है. पॉइंट नंबर 7, प्रमोटिंग सेविंग. नहीं लर्न करोगे तो चलेगा, लर्न करना हो तो कर सकते हो, सीधा है. तुम्हारा सेविंग डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे. अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो आपका सेविंग ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम है तो ऑब्वियसली सेविंग विल बी लो. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी मदद करता है कि हाउ टू यूटिलाइज द फंड, हाउ टू एक्वायर द फंड, हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़े. प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपका सेविंग बढ़ेगा. Saving are possible only when business earn high profit and maximize wealth. So effective management help to promote and mobilize individual and saving. Nowadays, financial management is popularly known as business finance. Yeh aage aayega detail mein. The business sector cannot function without the importance of financial management. Aaj ke zamane mein finance ko sahi management ka matlab kya hota hai? Getting work done from other, या to manage the work tactfully, काम को सही तरीके से manage करना. तो finance का manage का मतलब क्या हुआ? Finance को सही तरीके से manage करना, ताकि आपको maximum output, maximum benefit, maximum return, maximum benefit provide कर सके. ये तुम्हारा था importance of finance. Business में finance की जरूरत क्यों है? Question number 1 over. क्वेश्चन नंबर 2, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, विस्तृत क्या है, एरिया क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, फाइनेंस हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, नॉट इनडायरेक्ट. मैं तो डायरेक्ट ही बोलूंगा. देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, विच इज, मैंने पहले ही बोला ना, विच इज directly related with various department, chahe personal department ho, chahe marketing department ho, chahe production department ho. Yani financial management ko har department ke saath deal karna hai. Kyun maine upar ke point mein bataya ki bhai business ke andar production bhi department hai, alag alag department hote, to finance kaise allocate karna, kiski kya zarurat hoti hai, kitni zarurat hoti hai, sab financial management ko decide karna. The relationship between financial management and other management is discussed below. Point number 1, financial management and production department. Production department kya, again aapne 11th 12th FY padha hua hai. Production department wo hota hai jahan pe product ko banaya jata hai.
उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उनको लेबर कॉस्ट की जरूरत होती है, उनको असेट की जरूरत होती है, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जरूरत होती है, उनको लाइटिंग की जरूरत होती है, उनको ग्रीस की जरूरत होती है, उनको ऑयल की जरूरत होती है। ये सब चीज मफत पे तो नहीं मिलती, मनी रिक्वायर्ड। हो गया रिलेशन डायरेक्ट। देखते प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कंसर्न मींस बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। क्यों प्रोडक्शन? क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन होगा माल ज्यादा बिकेगा, माल ज्यादा बिकेगा बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस नीड फाइनेंस, प्रोडक्शन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। क्यों? तो देखो इसके लिए अलग से लिखा है, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर मटेरियल मशीनरी वेजेस डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिस एक्सपेंडिचर आर डिसाइडेड एंड एस्टिमेटेड द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर एलोकेट द प्रॉपर फाइनेंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि कॉमन है ये सब खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये सब पैसों का एस्टीमेट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा। क्योंकि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम क्या है कि हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस सही समय पे सही राइट टाइम राइट अमाउंट राइट वे से फाइनेंस प्रोवाइड करना। The financial manager must be aware of the business and finance required for production activity. The production department may require to take decision like increase in capacity. कैसे production बताया सके, कब replace करना है machinery, क्योंकि obsolete हो गई, obsolete means खराब हो गई, जूनी हो गई, मशीन काम नहीं करेगी। Improvisation, production में improvise कैसे करना है, तो ये सब चीजों के लिए भी production department को फैसलों की जरूरत होती है। All these decisions have financial implication. Therefore, should be evaluated in the light of objective of maximization of shareholder. Financial management play important role. सीधा का सीधा बात है, production करना है, financial management करना पड़ेगा। क्योंकि finance का manager ही decide करेगा ना कितना पैसा देना है। अगर ज्यादा पैसा तो देगा नहीं, अगर कम पैसा देगा तो production में रुकावट आ जाएगी। अगर production में रुकावट आ गई पूरी सर्कल चलेगी, हैंड तक रुकावट आ जाएगी। क्लियर? पॉइंट नंबर टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग। अब प्रोडक्शन तो हो गया मगर उसको मार्केट में सेल तो करना है ना, तो मार्केटिंग भी की जरूरत है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद एक्टिविटी ऑफ द फर्म दैट इज सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ही होता है ना माल को बेचना और कस्टमर को सर्विस देना। क्योंकि आज के जमाने में क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रहा, प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, द प्रॉफिट विद कस्टमर सर्विस। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ही है प्रोडक्ट को बेचना और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोड्यूस गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट मगर कब बिकेंगे? विद इनोवेटिव एंड मॉडर्न अप्रोच। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ समथिंग न्यू, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, कुछ नया करना, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ नया होगा, कुछ एंटीक होगा, कुछ देखने लायक होगा, तो ही लोग खरीदेंगे। तो उसके लिए मार्केटिंग जरूरत है। अब ये इनोवेटिव करने के लिए, फॉर दिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट नीड फाइनेंस टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट द फाइनेंस टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। सीधा के सीधा बताया। तीसरा पॉइंट आता फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सोनल नॉट पर्सनल, पर्सोनल कौन होते हैं? द एम्प्लॉई हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके बिजनेस में एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है, कितना इंसेंटिव देना है, कितनी स्कीम देनी है, कितने को प्रॉफिट में इन्वॉल्व करना है, कितनों को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करना है, किनको प्रॉफिट मेकिंग रखना है, क्या जरूरत है हर चीज के लिए फाइनेंस। अगर आप आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय को सही समय पर सही उसका रिटर्न नहीं दोगे, काम नहीं करेगा। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो रिलेटेड विद पर्सनल डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड मेन पावर टू ऑल एरिया। द पर्सनल डिपार्टमेंट हैज टू वर्क विद मैनेजर व्हाइल इवेल्युएटिंग डिफरेंट स्कीम्स सच एज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के लिए भी पैसों की जरूरत है। एम्प्लॉय वेलफेयर जैसे अपने पढ़ा ना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंसेंटिव स्कीम, रिविजन ऑफ पे स्केल, पगार कैसे देना है। सो फाइनेंशियल मैनेजर शुड केयरफुली इवेल्युएट द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर एंड एलोकेट द फाइनेंस टू डिपार्टमेंट कीपिंग इन व्यू बोथ एम्प्लॉय वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्म।
फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ही डिसाइड करना है ये कॉमन। अगर आप अपने एम्प्लॉय को समय पे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करोगे, इफेक्टिव काम नहीं करेगा, एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा मगर वेस्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर स्किल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोडक्ट। तो ट्रेनिंग देने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के लिए किस में जाएगा मनी, कौन डिसाइड करेगा, पे कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पर्सनल डिपार्टमेंट। चौथा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर इंसान जाता है कि हर कंपनी अपना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम इम्पोर्टेंस, रिलायबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देती है। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च करोगे तो ही आपकी क्वालिटी में सुधार आएगा। अब रिसर्च करने का भी मफत में नहीं होती, रिसर्च करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। तो देखो लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट रिक्वायर फाइनेंस टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी, चाहे नवा प्रोडक्ट लाना हो, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना हो, चाहे नए प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना हो, नए तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, या प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना हो, प्रोडक्ट में चेंजेस करना हो। डायरेक्टली तुम चेंज नहीं कर सकते अंटिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपना सिक्का ना दिया हो। सो द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेंटेन सेपरेट रिजर्व टू फाइनेंस इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन रेगुलर बेसिस। ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन और हुआ, स्कोप कहाँ तक का फैला हुआ है, चार क्वेश्चन है। तीसरा आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो ही ऑब्जेक्टिव है, तीसरा है ही नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस का मकसद ही होता है फाइनेंस वालों का। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फंड एंड यूज ऑफ फंड। द फंड रेज बाय फर्म्स विल बी यूज्ड इन सच अ वे दैट अर्निंग आर मैक्सिमम। सीधी बात है ना, फाइनेंस का मकसद ही होता है ना मैनेजमेंट का, क्या पैसों का इस्तेमाल ऐसे करो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। दस इज इज द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट। द अनदर एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द सेल। दूसरा एम क्या होता है, जितना हो सके उतनी बिजनेस की मिलकत का डेवलपमेंट करना, बढ़ाना। अब ये वेल्थ कब बढ़ेगी, तो सीधी बात है बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, बिजनेस के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस का नाम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की मिलकत भी बढ़ जाएगी। देखो लिखा हुआ है, द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द शेयर इफ बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन असेट इज मोर। इफ बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन असेट इज मोर देन कॉस्ट, there shall be surplus. अब surplus हुआ, इसका मतलब तुम्हारी शेयर की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। अब शेयर की प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बिजनेस की असेट इंक्रीज हो गई। क्लियर? सो देर आर टू ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अनदर इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बरसों से 11 कॉमर्स से पढ़ता है, विदाउट बिजनेस नो प्रॉफिट कैन सर्वाइव। प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस, अ बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट टू कवर इट्स कॉस्ट, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट आल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क और एडवर्स। प्रॉफिट होगा तो बिजनेस चलेगा, अगर अनसर्टेनिटी होगी तो भी प्रॉफिट तुमने बचा के रखा होगा, जिसको अपने रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, काम लगेगा। लिखा हुआ है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट are very useful to face adverse condition like material की price बढ़ जाना, wage बढ़ जाना, selling price कम हो जाना, government policy। Thus, profit maximization is the main goal of the business। ये कौन सा approach है, पुराना approach है, याद रखना है, आज के लिए लिखा हुआ है bracket में traditional approach। अब what are the advantage of profit maximization? दो ही topic, advantage and disadvantage। सीधा है, no business can survive without profit। कोई भी business survive नहीं कर सकता profit के बिना। So profit is essential for the survival of any business. Point number two, profit is a barometer for measuring efficiency of the management. क्योंकि profit ही ऐसा है जो measure करता है कि भाई आपने जो management में काम किया है अच्छा किया है कि नहीं। जैसे इंसान को check करते बुखार करने check करने के लिए आता है ना, इसी तरह business सही चल रहा है कि लोचे वाला चल रहा है, उसका determination होता है profit।
प्रॉफिट से पता चल जाएगा बिजनेस आपका कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। नंबर थ्री, द बिजनेस फेस सम एडवर्स, क्योंकि कॉमन है, ट्रेड साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, बिजनेस में कभी भी कंपटीशन बढ़ सकता है, रिसेशन आ सकता है, मंदी आ सकती है, कोई नेचुरल कैलामिटीज हो सकते हैं या मैनमेड कैलामिटीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी जा सकती है, लॉस चेंज हो सकते हैं, तो उस समय बिजनेस को तकलीफ होती है। बेसिक तकलीफ में बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बंद कर देने पड़ेंगे, ताले मार देने पड़ेंगे। जैसे लॉकडाउन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि जो बिजनेस प्रॉफिट करता था लॉकडाउन में, सिचुएशन खराब हुई फिर भी बंद नहीं हुआ, वो एडजस्ट हो गए। सब लॉकडाउन में प्रॉफिट कहाँ से हुआ भाई? मैंने प्रॉफिट का मतलब शुरुआत में बताया, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट प्लस एक्यूमुलेटेड रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सीआरआर हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब आपने पहले से जमा करके रखा है, तो ऐसे समय में पैसा काम लगेगा। तो वही बताया कि प्रॉफिट होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग सर्वाइव कर सकोगे। प्रॉफिट इज द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर, अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से होगा? जब आपने प्रॉफिट किया होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग सोशल गोल। सोशल गोल का मतलब क्या होता है? अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है, देखो लिखा हुआ है, अ फर्म बाय मैक्सिमिंग प्रॉफिट विल रीज इन्वेस्ट, इन्वेस्ट नहीं री इन्वेस्ट, यानी प्रॉफिट को रखा नहीं, इन्वेस्ट कर दिया एंड एक्सपांड इज बिजनेस। इससे क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, इसका मतलब आपने समाज की जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। कैसे? बेरोजगारों को रोजगारी दे, लिखा हुआ है, सो फॉर्म बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट कैन सेटिस्फाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? उसके बाद आते हैं आपके लिमिटेशन। लिमिटेशन करके मैं टॉपिक को कवर करता हूँ। ये लिमिटेशन क्या है? बहुत इजी लिमिटेशन है, पॉइंट पे ही समझ में आ जाएगा। द टर्म प्रॉफिट इज वेक। वेक का मतलब क्या? कि तुमने सिर्फ प्रॉफिट बोला, बिजनेस में प्रॉफिट क्या क्या होता है बोल दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर, ये सब प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। आपने ये नक्की नहीं करा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात चल रही है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात चल रही है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात चल रही है कि अर्निंग पर शेयर की बात चले, सब एक जात का प्रॉफिट है ना। देखो आ गया, इट मींस डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल, देयर आर डिफरेंट कोनोनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब डिटेल में पढ़ोगे तुम। सो इफ प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव, द क्वेश्चन अराइज व्हिच टाइप ऑफ प्रॉफिट फर्म शुड मैक्सिमाइज। किस प्रकार के प्रॉफिट की बात कर रही है? खाली प्रॉफिट बोलने से बिजनेस नहीं चलता। लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पॉइंट नंबर टू, इग्नोर टाइम वैल्यू, बहुत बड़ी चीज है। कैसे? आज जो आपके पास 1 रुपया है उसकी कीमत फ्यूचर में ज्यादा होगी। कैसे? 1+i। इट इग्नोर द फैक्ट कैश रिसीव टूडे, कैश रिसीव टूडे इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम अमाउंट रिसीव आफ्टर 1 or 2 or 3 years। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि हमारी साथी मैडम है, मुशीरा मैडम है, आशिया मैडम है, तीनों ने मुझे 10,000 रुपये फी आज दे दी, आज के दिन में संडे। दूसरे बच्चों ने 10,000 मुझे जनवरी में पूरी करी, तो ध्यान देना इंपॉर्टेंस किसका मालूम है? जिन्होंने आज दी। क्यों? क्योंकि आज 10,000 रुपए दिए तो जनवरी तक इसकी कीमत 32-33 हजार हो गई। तो वही बता, अमाउंट रिसीव टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन रिसीव आफ्टर 2 ईयर। सो व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रॉफिट द बिगर द बेटर प्रिंसिपल इज एडॉप्टेड। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑप्शन है, समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैंने एक एस्टीमेट बनाया जिसमें ऐसा हुआ, दो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए के अंदर पहले साल 50 लाख मिलेंगे, दूसरे साल 100 लाख मिलेंगे, तीसरे साल 50 लाख मिलेंगे, यानी 3 साल में कितने कमाऊंगा? 200 लाख। ऑप्शन नंबर बी देखा तो पहले साल तो कुछ नहीं मिलेगा मगर दूसरे साल भी 100 लाख, तीसरे साल भी 100 लाख, कितने हुए? अब तो डिसीजन क्या लाऊं मैं, कौन
कौन सा इम्पोर्टेंस है? तो तुम लोग बोलेगे सर दूसरे वाला इम्पोर्टेंस है, मैं बोलूंगा पहले वाला इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दूसरे वाले में पहले साल कुछ मिला ही नहीं है। इसका मतलब जो पहले वाले के अंदर 50 लाख मिले उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है, टेबल पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट लिमिटेशन आता है इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में रिस्क तो होता है। अब अनसर्टेनिटी क्या है? कुछ निश्चित नहीं है। इट इज सेफली टू बी एज्यूम दैट इन्वेस्टर आर रिस्क अवेयर। जो भी इन्वेस्टर हो तो क्या देखेंगे भाई, कम से कम रिस्क हो, मैक्सिमम रिटर्न हो। देखो लिखा हो दे वॉन्ट टू अवॉइड एटलीस्ट मिनिमाइज द रिस्क, देयरफॉर दे हैव टू प्रेफरेंस फॉर अ रिटर्न व्हिच इज मोर सर्टन इन द सेंस दैट इट हैज लेस फ्लक्चुएशन ओवर द ईयर। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, पहले साल 9 रुपए देता है, दूसरे साल 10 रुपए देता है, तीसरे साल 11 रुपए देता है, टोटल कितने रुपए देता है? 30। ऑप्शन नंबर बी, पहले साल कुछ नहीं देता, दूसरे साल 10 रुपए देता है, तीसरे साल 20 रुपए देता है, कितने हुए? 30। तो इन्वेस्टर क्या देखेगा भाई? ऑप्शन नंबर बी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अब जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है उसमें रिस्क भी ज्यादा है, मगर ऑप्शन नंबर वन में फ्लक्चुएशन कम है। देख लो 9, 10, 11, इसका मतलब ये ग्रोथ कर रहा है इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टमेंट देते। ये सब चीजें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती। इतना पढ़ लेना, मैं यहाँ पर अपना टॉपिक कवर करता हूँ।